ठाक कटा हुआ है थोड़ा, ये देखो कट गए थे लहसुन काट रहे थे तो दर्द बहुत होता, तो दोस्तों बहुत देर लगती है कोरने में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ दोस्तों स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में फिर से आप सभी लोगों का। दोस्तों तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और ये देखो दोस्तों चौका बर्तन भी हो गया, ये देखो सब बर्तन बन गए और दोस्तों कुल्ला भी कर लिया। अब दोस्तों बनने जा रही है चाय, ये देखो चाय बन रही है, दीदी हमारी बना रही है चाय, ये देखो दोस्तों चाय बन रही है और अब दोस्तों अभी चाय पियेंगे। और दोस्तों हमारे वीडियो में इन तक बने रहना दोस्तों, आज देखना हमारे वीडियो में कि मतलब कि हम आज एक नया काम करने जा रहे हैं, ज़िंदगी में पहली बार दोस्तों ये काम किया है और वो काम दोस्तों आज करेंगे। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों और मेरा पूरा वीडियो देखना दोस्तों। उस काम के पहले हम थोड़ा दोस्तों सिलाई करना है, कपड़े सिलने हैं तो सिल लें, इसके बाद वो काम करेंगे दोस्तों। तो आप लोग देखना दोस्तों कब वो काम करने जा रहे हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों मूँगफली है, ये देखो झोले में, ये देखो दोस्तों इतनी मूंगफली हैं। तो दोस्तों इस साल हम इनको अपने खेतों में बोएंगे। दोस्तों सबके यहाँ कहीं ना कहीं रिश्तेदारी से आ जाती थी और हमारे यहाँ दोस्तों कोई ऐसी रिश्तेदारी भी नहीं है जहाँ से मूंगफली आ जाए। और दोस्तों घर की चीज़ घर की ही होती है, मोल इतनी कहाँ ले मिलती ना, इतना ना तो इतने पैसे। तो दोस्तों इस साल हमने सोचा कि हम क्यों ना अपने खेत में मूँगफली बोएँ। तो दोस्तों इस साल हम मूँगफली बोने के लिए, ये देखो दोस्तों बिसार मंगाए थे। तो दोस्तों बिसार जो है, बिया जो है बहुत दूर से हमारा आया है, हमारे एक फ्रेंड हैं उनके यहाँ से मैंने मंगवाया। तो दोस्तों आज हम, अब बोने का टाइम आ गया है तो आज हम इनको खोल के दाने निकाल लेंगे, यही दोस्तों खेत में बोएंगे। तो दोस्तों आप लोग भी आना और हमारे यहाँ की मूँगफली खाना, पहली बार बोने जा रहे हैं, थोड़ी बहुत तो खाने को मिलेंगी ही अगर भगवान ने सही सलामत अच्छी अगर हो गई मूँगफली तो, अगर जानवरों ने नहीं चरे वरना जानवर भी चर जाते हैं। अगर जानवर कोई खोदने वाले होते हैं कुछ तो जगह उनको अगर पता लग गया तो वो खोद के खा जाते हैं। तो दोस्तों ये देखो मूँगफली, और दोस्तों ये हमारी दीदी हैं तो भी इस समय दोस्तों यहीं पर हैं। तो अभी दोस्तों मम्मी हमारी काम कर रही हैं, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों मम्मी हमारी वहाँ बैठी हैं, धनिया साफ़ कर रही हैं दोस्तों, धनिया में जो करकट है वही निकाल रही हैं सूप से। और हम यहाँ आंगन दोस्तों, ये देखो दीदी की बिट्टू जाग पड़ी, वो भी मूँगफली पीट रही डेला, और तो पाएंगे नहीं तो पीटने लगी। अब आप दोस्तों जब आपको बताने लगे तो हमको ताकने लगी दोस्तों देखो, ये देखो दीदी की बिट्टू सब पूरी मूँगफली डेलवा से बाहर किए दे रही है, ये देखो अब आप लोगों को बताने लगे तो ये देखो हंसने लगी। ले बिट्टू निकाल दो, अरे निकाल दो डेलवा से सब बाहर कर दो, ये देखो देखो दोस्तों, ये देखो डेलवा से बाहर कर दे रही है मूँगफली। दोस्तों बहुत देर लगती है मूँगफली फोड़ने में। दोस्तों ये देखो हमारा अंगूठा कटा हुआ है थोड़ा, ये देखो कट गए थे लहसुन काट रहे थे तो दर्द बहुत होता, तो दोस्तों बहुत देर लगती है फोड़ने में। और दीदी भी फोड़ रही है दोस्तों, अभी इतने ही दाने फोड़ पाए, ये देखो दाने फूटे हैं और दोस्तों अभी फोड़ लेंगे पूरे सभी। तब दोस्तों अभी दोस्तों खेत जुताना बाकी है, जब खेत जुताएगा तब बोएंगे दोस्तों, तब आप लोग को फिर दिखाएंगे कि कितनी बोए हैं। दोस्तों ये देखो दाने सब पूरे फूट गए, पूरी मूँगफली हमने फोड़ ली और दोस्तों इतनी ही इस साल दोस्तों इतनी ही बोएंगे, आगे का मतलब बिया भी ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा बोएंगे, पता भी चल जाएगा कितनी कैसी होती हैं। और दोस्तों इस साल इतनी बोएंगे और दोस्तों तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी का ये सबसे अनोखा और सबसे पहली बार दोस्तों ये काम करने जा रहे हैं दोस्तों, कभी मूँगफली नहीं बोए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में दोस्तों बताना ज़रूर,
और फिर दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना दोस्तों, और दोस्तों हमारा सपोर्ट भी करना दोस्तों। और आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे घर में कोई काम करने वाला तो है नहीं, हम हैं और हमारी मम्मी हैं। इस समय दोस्तों दीदी आई हुई हैं तो थोड़ा काम जल्दी हो जाता है, तो दोस्तों प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों, अपनी छोटी बहन समझकर मुझे सपोर्ट करना दोस्तों। और दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने अपने घरों में जीते रहो।